इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जो हमारा फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो हमें करना क्या है कि पहले चेक करना है कि ये संगत है या असंगत, और यदि ये संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, इसका हल करना है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा जो समीकरण युग्म दिया हुआ है इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट बन गया। इसमें हम 10 को इस तरफ ले आएंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण तो हो गया। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना हम कर देंगे ताकि ए वन और बी वन सी वन का मान मिल जाए। तो समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 से करने पर, अब जब समीकरण फर्स्ट की तुलना हम करेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 से, तो हमें ए वन का मान मिलेगा, यहाँ पर x का गुणांक ए वन, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 होता, इसलिए ए वन का मान मिलेगा 1, और बी वन जो है y का गुणांक है तो यहाँ पर y का गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा बी वन इज इक्वल टू 1 और सी वन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। इसी प्रकार हम समीकरण दो की तुलना करेंगे तो समीकरण दो की तुलना समीकरण ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 से करने पर, अब समीकरण दो की तुलना हम ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 से करेंगे। तो हमें जो ए टू है यहाँ पर एक्स का गुणांक ए टू है, यहाँ पर एक्स का गुणांक 2 है तो ए टू का मान मिलेगा 2, ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार बी टू जो है वाई का गुणांक है, यहाँ पर वाई का गुणांक 2 है तो ये बी टू इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और सी टू इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 10, सी टू इज इक्वल टू माइनस 10, ये हो गया। अब यहाँ से हम ए वन अपान ए टू और पी वन अपान बी टू सी वन अपान सी टू निकाल लेंगे चेक करने के लिए कि संगत है या असंगत है। चूंकि ये जो यदि हमारा ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू ना हो तो रेखाएं संगत होती हैं, तथा यदि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू हो और सी वन अपान सी टू तीनों बराबर आ जाए तो भी हम रेखाएं संगत होती हैं। लेकिन यदि रेखाएं असंगत होंगी, यदि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू बराबर ना हो सी वन अपान सी टू के, तो रेखाएं संगत नहीं होती हैं, असंगत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ए वन अपान ए टू जब निकालेंगे तो ये मिलेगा हमारा ए वन है 1 और ए टू है 2। इसी प्रकार बी वन अपान बी टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, बी वन का मान है 1 अपान बी टू का मान है 2। इसी प्रकार जब सी वन अपान सी टू निकालेंगे तो सी वन का मान माइनस 5 अपान ये है माइनस 10, तो माइनस से माइनस करके ये आएगा 5 वन जा 5 और 5 टू जा 10 यानी 1/2। यहाँ पर चूंकि ए वन अपान ए टू बराबर बी वन अपान बी टू और बराबर सी वन अपान सी टू तीनों बराबर हैं, और यदि तीनों बराबर हैं तो रेखाएं संगत होंगी। ठीक है, इसलिए रेखाएं फर्स्ट तथा सेकंड दोनों संगत होंगी है, और यदि संगत हैं तो हमें ग्राफ भी खींचना है इसका। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले तो हम प्रत्येक समीकरण का दो दो हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो समीकरण फर्स्ट जो है उसको यहाँ लिख लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके लिए थोड़ा सा इस तरह बॉक्स बना लेते हैं, ये हो जाएगा, दो हल निकालना है तो यहाँ पर x का मान पहले एक बार 0 लेंगे। तो जब x का मान 0 लेंगे यहाँ पर इस समीकरण में, इसे रख चेक कर लेते हैं, x के स्थान पर 0 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी वाई इज इक्वल टू केवल 5। यानी जब हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान मिलता है 5, और जब y का मान 0 ले लें तो यहाँ पर ऐसे y का मान 0 लेंगे तो x प्लस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 5, तब हमको मिलेगा 5।
एक बिंदु यहाँ से हमको मिलता है ये 0,5 और दूसरा मिलेगा 5,0। इसी प्रकार जब हम समीकरण दो की बात करें, जो समीकरण दो हमारा दिया हुआ है वो 2x+2y, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2x+2y-10=0। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम 2x+2y-10=0। इसके लिए भी हम दो समीकरण दो हल ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा तरीके से ये x हो गया और ये y। यहाँ पर जब हम x का मान 0 लेते हैं इस समीकरण में तो यह लिखा हुआ है 2x+2y-10=0। x का मान 0 लेंगे तो यह आएगा 0, यानी 2y-10=0, तो 2y = हो जाएगा 10 और y = 5। यानी जब हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान मिलता है 5। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर y = 0 ले लें तो y = 0 लेंगे तो यह हो जाएगा 2x+0-10=0, यानी कि 2x = 10, तो x = 5। ये अब यहाँ से हमको 1 हल 0,5 मिला और ये 5,0। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमको दो बिंदु मिली हैं यहाँ पर, पहले समीकरण के लिए 0,5 और 5,0, 0,5 और 5,0। सेम सेम बिंदु मिल रहा है इसलिए दोनों रेखाएं का ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहले हम ये वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, और फिर ये एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है, वाई डैश हो गया, और ये एक्स एक्सिस धनात्मक हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ पर हम सेम सेम दूरी पर बिंदुओं को निर्धारित करते हैं, 1 हो जाएगा इस तरफ, 2, फिर 3, 4, 5, 6 .. इस तरफ भी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर .. इस तरफ माइनस में होगा 1-2-3-4-5 .. नीचे की तरफ भी माइनस होगा तो -1-2-3-4 .. अब हमको जब बिंदुएं मिली हैं पहले रेखा के लिए, उसमें एक 0,5 मिला है, दूसरा 5,0, ये पहली रेखा के लिए, दूसरी रेखा के लिए भी वही बिंदु हमको मिला है। तो इन बिंदुओं को सर्च करते हैं इसमें कहाँ पर होगा 0,5, यानी x का मान 0 और y का मान 5। तो यहाँ x एक्सिस पर 0, 0,5 ये बिंदु मिलेगा हमको 0,5, और ये 5,0 यहाँ पर मिलेगा, ये हो जाएगा 5,0। इस रेखा के लिए भी बात करें दूसरे के लिए तो भी वही बिंदु, तो वही हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, ये ग्राफ बन गया।